मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ने टिप्पणी की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की कहानी बहुत लंबी चलती है, वो जल्दी खत्म ही नहीं होती है, परत दर परत उस पर निकलती है। आम आदमी का आरोप है कि सरकार उनको खत्म कर रही है, आम आदमी पार्टी खुद को अपने आप को खत्म कर रही है। हमें ये बताइए, हमी ने कहा था ना कि एक्साइज पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसमें कमीशन खाओ। सरकार ने कहा था कि पूरे दिल्ली में शराब का ठेका एक मोनोपोली कर दो। क्या भाजपा ने कहा था कि अपना 6% वोट राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए शराब के कमीशन से प्राप्त करो गोवा के इलेक्शन में? ये हमने कहा था क्या? तो गलती करेंगे आप, भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, और कार्रवाई होगी तो परेशानी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये आज इसलिए बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी बार बार कहते थे कि पूरा यह मामला बिल्कुल फर्जी है। कहा था ना, फरवरी से मनीष सिसोदिया जी जेल में है, उनका बेल रिजेक्ट किया लोअर कोर्ट ने, बेल रिजेक्ट किया हाई कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और बाकी सदन जैन वगैरह की बात तो हमारे दिल्ली के मित्र लोग करते रहते हैं आपसे, कितने उनके नेता जेल में है ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बार बार बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है, फंसाने की चाल है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा केजरीवाल जी? ये तो मुझे पहली बात कहनी है। दूसरा विषय, एक राजनीति में और लोकतंत्र में रिकॉल वैल्यू होता है, तो आज थोड़ा रिकॉल वैल्यू बताना जरूरी है कि एक पूरा स्कैम था क्या। आप सभी जानते हैं कि मैं आपके माध्यम से देश को रिकॉल करा रहा हूं। एक नई एक्साइज पॉलिसी बने, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा, उसके हेड थे मनीष सिसोदिया जी, उसमें फिर कई चर्चा हुई, बाकी हुई। इसी बीच में दक्षिण भारतीय लॉबी की एंट्री होती है और वो एक मिडिल मैन के थ्रू संपर्क करते हैं, और जब कुछ गड़बड़ी होती है, संदेह होता है, तो विषय अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, दिस मिडिल मैन इज माई मैन, उससे बात करो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आज के अखबारों में सारा विस्तार से छपा है, आज के अखबार में मैं लेकर के आया हूं, इसलिए मैं कोई उड़ती फिरती बात नहीं कह रहा हूं। उसके बाद जो रिपोर्ट बन के आई उसको कहा नहीं, केजरीवाल जी के घर की बैठक में कहा ये जीएम की रिपोर्ट मानी जाएगी। और जीएम की रिपोर्ट कौन थी? जो सदन लॉबी ने बना कर करके अपना पूरा फायदे का बना करके दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन में, अरे सॉरी मनीष सिसोदिया के। और ये सब बातें रिकॉर्ड पर है, सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है, ईडी भी इंक्वायरी कर रही है, चार्जशीट फाइल हुई, आप सभी जानते हैं। इसी में एक और सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है क्या? जो लोग दिल्ली सरकार को जानते हैं और उनके चाल चलन को जानते हैं,
सच ए मैसिव स्कैम कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द क्लियर अप्रूवल ऑफ मिस्टर केजरीवाल. और जो बातें आई यहां पर उन्होंने साफ कहा कि हमारा आदमी इससे कांटेक्ट करो, जब मिलना नहीं संभव हुआ तो फेस टाइम से बात हुई. और उसके बाद उन्होंने जो बनाया एक लॉबी ने, वो पूरी रिपोर्ट को उसी में समाहित कर दिया गया. तो ये तो बड़े गहरे सीधे और परिस्थिति जन साक्ष्य उपलब्ध है. लॉ में कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस एंड वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. तो ये दोनों उपलब्ध हैं. ये सुप्रीम कोर्ट का कल का बेल रिजेक्ट किया वो पूरा आदेश है. मुझे लगता आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसके तीन चार पैराग्राफ पढ़ रहा हूं. विजय नायर एंड द मेंबर्स ऑफ द लिकर ग्रुप हैड मीटिंग्स ऑन डिफरेंट डेट्स इंक्लूडिंग ऑन 16/3/21 and had prepared the new excise policy which was handed over to Vijay Nayar. Thereupon, the commission fee, which was earlier fixed at minimum of 5%, was enhanced to a fixed fee of 12% payable to wholesale distributors. The appellant Manish Sisodia was aware that three legal manufacturers have 85% share in liquor market. Sab main Supreme Court se quote kar raha hun. Aur uske baad, the excess amount of 7% commission fee earned by the wholesale distributor of rupees 338 crores only constitute an offence under section 7 of the Prevention of Corruption Act relating to public servant bribed. This amount was earned by the wholesale distributors in a span of 10 months. This figure cannot be disputed or challenged. मैं फिर कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, दिस फिगर कैनॉट बी डिस्प्यूटेड चैलेंज. दस द न्यू एक्साइज पॉलिसी वॉज मेंट टू गिव विंडफॉल गेन्स टू सेलेक्ट फ्यू होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हु इन टर्न हैड एग्रीड टू गिव किकबैक्स एंड ब्राइब्स. मैं सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा ना कि उनको 5% का सीधा 12% किया गया, 7% एक्सा लगभग 338 करोड़ हुआ. ये जो उनको विंडफॉल गेन हुआ ये पूरे किकबैक्स और ब्राइब के लिए यूज हुआ. तो फिर 10 महीने में इसको हटा क्यों दिया, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि इसकी इंक्वायरी कराएंगे, क्योंकि सारे पदाधिकारी बड़े अचंभित थे कि हो क्या रहा है, ये तो हम लोग की गर्दन नपेगी. दे हैड टोल्ड द गवर्नर एंड द चीफ सेक्रेटरी कि इसमें गड़बड़ी बहुत है. इसी के साथ एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ये इतना ही बढ़िया नियम था तो इसको 10 महीने में क्यों स्क्रैप कर दिया. वाई, अगर आप ठीक हैं तो होना चाहिए था, तो आपने इस पूरे नियम को स्क्रैप क्यों कर दिया. अब देखिए, जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का पार्ट है. वन डे Around mid-March 21, Deputy CM called him to the residence of Chief Minister Arvind Kejriwal and handed over around 30-page documents, which was a draft group of ministers' report. See, Satinder Jain and Deputy CM Manish Sisodia were also present along with CM in his house. Deputy CM told that this is the base document on which the final GOM report is to be made over. So, jo aapne kaam kiya khatam kariye, jo kanuni reh liya khatam kariye. यही रिपोर्ट है, इसी को फाइनलाइज करिए. रिपोर्ट कहां से आई, सदन लॉबी से आई. ये सब सुप्रीम कोर्ट का पार्ट में पढ़ रहा हूं. तो ऐसे में केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है अगर ईडी के द्वारा, तो हाय तोबा क्यों मची हुई है. इसमें भाजपा का कोई संबंध नहीं है, एक भी नहीं है. जैसी करनी वैसी भरनी. जो आपने किया, और मैं उसको स्ट्रेट अवे अगर प्रश्नों के रूप में रखूं, तो पहला सवाल
आपने एक्साइज पॉलिसी जो जीए में बनाया उसको बदला क्यों? क्या कारण थे? नंबर एक। और बदला तो क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कोई रिकॉर्ड है क्या बदलने की मीटिंग का? या जो नायर साहब लेकर के आए उसी को मान लिया? नंबर तीन, 7% से 12% क्यों किया? और नंबर चार, अगर आप इतना ही विश्वास था आपको अपने ऊपर तो एक्साइज पॉलिसी को 10 महीने में खत्म क्यों कर दिया? तो क्या हम मान के चले कि गोवा का चुनाव था, आगे पंजाब का था, तो हमारी मदद करो, हम तुमको एक विंडफॉल गेन करवा देंगे, पकड़े गए तो स्क्रैप कर देंगे, नहीं पकड़े गए तो हरी हरी? यही तो है ये पूरा मामला। इसलिए भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं है, ये कानून की प्रक्रिया है। लेट मी क्लैरिफाई वेरी क्लियरली, द बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद दिस होल स्कैम एट ऑल। इट इज द एंटायरली डीड एंड मिसडीड एंड करप्शन ऑफ द आम आदमी पार्टी, द लीडर, द चीफ मिनिस्टर, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड अदर एसोसिएट्स। तो अगर वो कानून अपनी प्रक्रिया कर रहा है जो कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक फिल्टर हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में अगर उनको समन किया गया जो, और याद करिए कि केजरीवाल जी सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं, शायद अप्रैल में गए थे जहां तक मुझे याद आता है, आप अभी जाइए अपनी बात कहिए। तो चूंकि कल शाम से एक राग दरबारी बज रहा है कि भाजपा आम आदमी को खत्म करना चाहती है, तो हमें लगा कि इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है। हम लोग सभी अपने स्टूडेंट लाइफ से एक्टिविस्ट रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक बहुत ही आशा के साथ हिंदुस्तान के राजनीतिक क्षेत्र पर आई थी ना, स्वयं बाबा थे उनके साथ, कई नॉन पॉलिटिकल लोग जुड़े थे उनके साथ, ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट सबको देते थे, और इनके बाबा, हम सब इनका सम्मान करते हैं, वो तो विड्रॉ कर गए। आज एक बड़ा सवाल मुझे उठाना है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। सारे इनके सहयोगी जो आंदोलन में साथ थे, इनसे अलग क्यों हुए? चाहे वो अपनी बेदी जी हों, या कई फिल्म स्टार्स हों, अनुपम खेर हों, फिर हमारे प्रशांत भूषण हों, योगेंद्र यादव हों, या साजिया इल्मी हों, इन सबों ने साथ संघर्ष किया था ना, आशुतोष जी पत्रकार हों, सब क्यों खट्टे चले गए? क्या हुआ? उनकी हर बात का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल उठाऊंगा कि पूरे देश में लोगों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाले और कार्रवाई की मांग करने वाले, उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को कब्जा किया, यह उनका विषय है, लेकिन आज आपका अपराध हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि सब झूठा है? आम आदमी पार्टी हैज बीन द बिगेस्ट लेट डाउन इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक जबरदस्त, मैं क्या कहूं, जनता को धोखा देने का काम किया है। कहा कुछ और, निकले कुछ और, यह है इनकी सच्चाई। दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। कमलेश, ये तो उनका कहना है ना, चार्जशीट पढ़ लें, ईडी की भी पढ़ लें, सीबीआई की भी पढ़ लें, और मैंने तो कहा वो पूरा आपको दिखाया था, आज का अखबार जो छपा है ना पूरा, क्यों कहा गया ही इज माय मैन, टॉक टू हिम, ये क्या है? क्यों उनके घर में बैठक हुई और सेक्रेटरी को कहा गया कि पुरानी रिपोर्ट छोड़ो, ये रिपोर्ट चलेगी? सच्चाई है। पारासर, इंडिया टीवी, वो लास्ट में करेंगे जरूर। रविंद्र सिंह, जी न्यूज़। सर,
ये कौन सी नई बात है भाई? सत्येंद्र जैन का इस्तीफा कितने महीनों के बाद दिया गया? 2 साल के बाद इस्तीफा दिया कि नहीं दिया गया? एक साल के बाद। मनीष सिसोदिया कितने दिन के बाद किया? उन्होंने खुद किया है, तो कोई नई बात नहीं है, ये उनका आचरण बता रहा है। इस पर कोई वो, ये भी एक नई परंपरा है। अभी तक देश में कोई किसी पार्टी का आप जेल गए तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है ना। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, रविंद्र राव आप तो बिहार से हैं, लालू जी को भी इस्तीफा देना पड़ा था ना चारा घोटाले में, याद है कि नहीं? वह दिगरे की पत्नी को बना के गए, वो इस्तीफा देना पड़ा था ना। तो अगर ये इसमें भी नई परंपरा स्थापित करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। I am not sitting here to give reply to all the comments. I have the party is holding a press conference at the national level to clarify the point that the BJP has nothing to do with it. It is a part of the legal process which has come about because of the folly, corruption, deeds and misdeeds of the government headed by Mr. Arvind Kejriwal. Amod Rai. अब ऐसा है कि ये तो ये जुमला बन गया, छोड़ दीजिए, अब इसका हम क्या जवाब दें? चुनाव में आप हारते हैं तो फिर चले आते हैं, अभी फिर अनिल जी वो गुजरात में हम लोग थे तो उतरे थे ना, हर काफी लोगों को उतरा था, एक भी जीते थे कहीं पर? क्या हुआ था उत्तराखंड में? तो पार्टी अध्यक्ष ही ज्वाइन कर लिया, मैंने हम लोग सब लोग थे गुजरात में काफी समय तक, आप लोग भी आए थे, ऐसा तूफान के लगा उनकी सरकार आ रही है साहब, क्या हुआ? चलिए दावे कर लीजिए, उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। और कोई सवाल? देवेंद्र जी का, देवेंद्र पराशर, इंडिया टुडे। अब ऐसा है, ये क्या मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लारीफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो FIR कर दे FIR, कौन रोक रहा है उनको? क्या वैसे ही हो जाए राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पिगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने? तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो वो तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं IT के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर, नहीं संतोषजनक हो FIR करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। ये तो होना ही था ना, मैंने पहले भी कही थी कि ऐसी बारात में दूल्हे का पता नहीं है, लेकिन बारात लोकसभा के बारात के रास्ते पर जाने के पहले ही बिखरेगी, ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। देखिए ये अवसरवादी गठबंधन है जहां स्वार्थों का टकराव है, और स्वार्थों का टकराव होता है तो अखिलेश जी विखिलेश जी हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी भी कूद जाती है। तो आगे देखिए कैसा होता है। केजरीवाल जी इस्तीफा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये ऐसा विषय आपने उठाया है जिस पर मुझे बहुत गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि वो करेंगे नहीं करेंगे, देखा जाएगा, स्थिति आए लीजिए। लेकिन एजेंसी क्या करेगी, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, उनका विषय है। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे।
अब चलिए उनके सलाहकार कौन है जल्दी बताइए तो, ओवैसी साहब है ना, तो ओवैसी साहब ने उनको कहा होगा आपने अभी तक कुछ नहीं बोला तो कुछ तो बोलिए, तो उसकी मजबूरी में बोले। मैं हमें बहुत गर्व है कि आज भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार में अल्पसंख्यक समाज के लोग अच्छा काम स्पोर्ट्स में कर रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी में कर रहे हैं कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देख रहा है देश। ठाकुर रविंद्र सिंह ऐसा है तो फिर कह रहा हूं FIR क्यों नहीं करते, एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर। लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है, बात समझ गए आप। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वहां बताती है कि ये कुछ है इसको देखिए, और उसके बाद होता है।